सीटी स्कैन मशीन और ऑक्सीजन प्लांट का लाभ जल्द मिलेगा दमोहवासियों को। प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पत्रकारों के प्रश्नों के दिए उत्तर, कहा भारत सरकार और प्रदेश सरकार लगातार कर रही है जनहित कार्य। तीसरी लहर आने के पूर्व हम है तैयार, प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री ने कहा। नमस्कार, समाचार विस्तार से। ऑक्सीजन प्लांट और सीटी स्कैन मशीन की सुविधाओं का लाभ जल्द ही दमोहवासियों को मिलेगा। तीसरी लहर आने के पूर्व हम तैयार हो चुके हैं और इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश हमने अधिकारियों को दे दिए हैं। यह बात मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री तथा दमोह के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कही। स्थानीय पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार लगातार जन के लिए कार्य कर रही है। स्थानीय संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सभाकक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा कि सरकार लगातार कृतसंकल्पित है जन के लिए, जनहितैषी कार्य करने के लिए वह लगातार कार्य कर रही है। तीसरी लहर आने के पूर्व हम तैयार हैं और हमने संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं, किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण बिंदु उभर कर जो सामने आया वह था कि जब पत्रकार वार्ता का आयोजन होना था उसी समय कुछ जबरदस्ती नेता कुर्सियों पर जमे रहे और पत्रकारों को कवरेज करने के लिए खड़े होकर अपना कार्य करना पड़ा। हालांकि इशारों ही इशारों में प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री प्रभारी मंत्री दमोह के गोविंद सिंह राजपूत ने यह कह दिया था कि पत्रकार बंधु आ गए हैं, और जब बीच में ही कुछ नेता अपनी गप्पों में मशगूल हो गए तो उन्हें रोका भी और टोका भी। जब पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर मंत्री गोविंद सिंह दे रहे थे उसी समय कुछ नेता जोर जोर से अपनी बातें आपस में करने लगे, और जिससे व्यवधान पैदा हो रहा था और इस व्यवधान को दूर करने के लिए राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा और टोका। उद्योगपतियों से बोल के, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से बोल के, रिफाइनरियों से बोल के, जैसे भी हो सका टैंकरों का इंतजाम किया और स्थिति ये रही, कि कोरोना बीमारी के बीच में ही हमारे पास ऑक्सीजन प्लस हो गई। लेकिन अब इस बार तीसरी लहर अगर आती है तो ये मारा मोरी ऑक्सीजन ही खत्म हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पैसा दिया है, मध्य प्रदेश सरकार ने पैसा दिया है कि हर जिला चिकित्सालय में ज्ञात हो कि राजस्व और परिवहन मंत्री तथा दमोह के प्रभारी मंत्री पहली बार दमोह आए थे। उन्होंने आपदा प्रबंधन की बैठक भी ली और साथ में दूसरी बैठकों के दौरान उन्होंने विस्तृत जानकारी अधिकारियों से ली और दिशा निर्देश भी दिए, कहा किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय भी वो है पहले गए, फिर उन्होंने वहां पर जाकर उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। देखते रहिए एलएनबी टीवी, जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं फिर नए समाचार के साथ। नमस्कार।